अस्सलाम वालेकुम। CD70 मोटरसाइकिल गियर लगाने से आगे क्यों नहीं जाता और क्लच प्लेट कैसे फिट की जाती है, चलें आज आपको डिटेल से बताते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लच साइड के टापे के हम सारे कवले खोलेंगे। अब क्लच बटन को ऊपर की तरफ दबा के हम टापे को बाहर की तरफ खींच लेंगे। अब बैरिंग और पुशर बोर्ड को बाहर निकालेंगे। अब ये चारों पेज खोल के टिक्की को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। अब पेचकस की मदद से लॉक हटा के अंदर वाला नट हम खोल देंगे। अब हम क्लच बॉक्स को बाहर निकाल लेंगे। पुलर की मदद से क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें हम बाहर निकालेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर प्लेट का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। ये सारी रगड़ी हुई है, ये रगड़ रगड़ के कोने बन चुके हैं। अब क्लच प्लेट को चेक करते हैं तो देखें ये कितनी हार्ड हो चुकी है। अब हम अंदर वाली प्लेट निकाल के क्लच हाउसिंग को चेक करेंगे कि उसकी क्या हालात हैं। कॉलर बिल्कुल जी, तो दोस्तों ये क्लच बक्से का कॉलर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको छोटे छोटे से कट नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे से आपको कट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये सारा कटा हुआ है, इसको बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये मेरे पास क्राउन की क्लच प्लेट है, फ्यूचर की प्रेशर प्लेट है, ये हमारा क्लच कॉलर और ये बोर्ड पुशर। सबसे पहले इसमें हम ये स्प्रिंग रखेंगे। स्प्रिंग के ऊपर ये पूछ रहेगा, स्प्रिंग के ऊपर ये जगह जो है स्प्रिंग के ऊपर बैठनी चाहिए। अब इसमें पुलर लगा लेते हैं। ये बोट ऊपर रख के इसको ऊपर से टाइट कर दें। क्लच प्लेट को थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। Thank you.
अब ये छोटे वाले स्प्रिंग इस जगह पे आएंगे। अब हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगा के क्लच बॉक्स की फिटिंग कर दी है। अब हम इसको मोटरसाइकिल के अंदर फिट करते हैं। सबसे पहले ये बोर्ड लगाएंगे, इसके बाद ये वाली पुश बोर्ड, थोड़ा इसको वायर लगाएंगे। अब हम इसमें लॉक लगाएंगे। इसके ऊपर ये वॉशर रखेंगे और ऊपर नट लगा देंगे। अब हम टिक्की लगा के इसके चारों पेच लगा देंगे। मैं बैरिंग लगा के इसमें पुशर और गोट लगा देंगे। अब जैन के ऊपर थोड़ी सी सिलिकॉन लगा देंगे ताकि लीकेज ना हो। अब जैन को इंजन के साथ लगाने के बाद हम इसके ऊपर इंजन वाला टॉपर लगा देंगे। अब हम सारे कवले लगा के इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।